एहा एक मैथ्र सिलेक्टिव क्लास अटे। एही वीडियो रे आमे मैथ्र इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन को डिस्कशन करिबा, जहाँ कि आपण मानको आगामी एग्जाम पाई बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। सो चलो क्लास टी को स्टार्ट करिबा। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज 2:5 एंड देयर सम ऑफ वैल्यू इज 35, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। आमको फर्स्ट क्वेश्चन रे कही ए आउ बी रो अनुपात देछि 2:5 आउ सेमानंकर जुगफल देछि 35 आउ आमको पचारिछि ए रो वैल्यू केते हेबो। तमे कर देबा, चलो आमको ए देछि आउ बी देछि आउ सेमानंकर अनुपात देछि 2:5, ए 2x हेला बेलकु बी हेबो 5x आउ सेमानंकर जुगफल देछि 35। तमे करि पारिबा 2x + 5x = 35, 2x + 5x कले केते हेबो 7x, 7x = 35, x = केते हेबो 35/7, x = 35/7। तो x रो मूल्य 5 पाइले, आमे x रो मूल्य पाइले 5। तो हमको कहार मूल्य पचारिछि, ए रो मूल्य पचारिछि, ए रो मूल्य हम केते नै थिले 2x, तो x रो मूल्य हम पाइले 5, तो 2×5 कले हमरो 10, तो ए रो मूल्य हो जइबो 10, ऑप्शन नंबर ए 10। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, अनिल इज यंगर देन सुनील बाय 4 इयर, इफ देयर एजेस आर इन द रेशियो ऑफ 7:9, हाउ ओल्ड इज अनिल। हमको कही छी अनिल हेउछि सुनील ठारु 4 वर्ष बड़ो, नहीं सेमती कही नहीं, अनिल इज यंगर देन सुनील बाय 4 इयर कही छी। हमरो अनिलटा सुनील ठारु 4 वर्षर सान बोली कही छी। मन करे आमे नेबा सुनील, सुनील रो वयस एक्स नेबा आउ अनिल रो वयस नेबा 4 वर्ष सान, तो एक्स माइनस 4 नेबा। आउ तापर कही छी सेमानंकर एज रो रेशियो देछि 7:9, हाउ ओल्ड इज अनिल बोली कही छी, अनिल रो वयस केते बोली पचारि छी। तो एबे तमे बाहर कर दियो, आमे जानि छी x/(x-4), सुनील रो वयस एक्स, सेमती अनिल रो वयस होई जइबो x-4 आउ सेमानंकर अनुपात 7:9। तो याकु तमे सिंपलीफाई कर दियो, x/(x-4) = 7:9 को हमें 7/9 बोली लिखि परबा। सिंपलीफाई करले केते हेबो 9x = हमरो 7x - 28। तो हमरो केते होछे देखो 9x - 7x = हे जइबो हमरो -28। तो हमरो 2x = 28 हेला, तो x = केते हेबो, x = हमरो 14। तो हम जानले एक्स कहार वयस नै थिले, आमे सुनील रो वयस हेला हमरो 14, सुनील रो हेला 14, अनिल 4 वर्ष सान कहिछि, तो अनिल रो हे जइबो 10 वर्ष। तुमको अनिल रो पचारि छी 10 इयर्स हे जइबो, ऑप्शन रे देई नै। क्वेश्चन को भलो से ठीक पढ़ो, कौन कहिछि अनिल इज यंगर देन सुनील बाय 4 इयर, अनिल इज यंगर देन सुनील बाय 4 इयर कही छी, सुनील ठारु हमरो अनिलटा 4 वर्षर सान। तो हम सुनील को एक्स नेले, तो हमरो अनिल रो वयस केते हे जइबो, अनिल रो वयस हे जइबो x - 4 हे जइबो, x - 4। तापर कहि छी इफ देयर एजेस आर इन द रेशियो ऑफ 7:9, जदि हमरो सुनील रो वयस आ अनिल रो वयस रो अनुपात दे छी 7:9, तो सिंपलीफाई करो x/(x-4), तो हमरो सुनील 9x लेवल को ए 7, तो याको सिंपलीफाई करो 7x = हे जइबो हमरो 9x - 36। तापर हमरो
नाइन एक्स माइनस सेवेन एक्स कले हो 36, तो आमर 2x इज इक्वल टू मिलला 36, 2x इज इक्वल टू आमर 36, तो x इज इक्वल टू आमको मिलो 18, x रो मूल्य 18 बाहर, x कहार बयस नहीं थी आम सुनील रो बयस x नहीं थी, तो सुनील रो होगा 18, तो अनिल रो केते हो, अनिल रो 4 वर्ष सान, तो आमर 14 हो, 14 अनिल रो 14, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन को टिके ठीक हिसाब से पढ़ी तापर आंसर कर। इफ द रेशियो ऑफ ए इज टू बी इज 3:6 एंड रेशियो ऑफ बी इज टू सी इज 7:28 देन फाइंड द रेशियो ऑफ ए इज टू बी इज टू सी। हमको दे ए अनुपात बी दे 3:6 सेमती बी अनुपात सी दे 7:28 आ पचार ए अनुपात बी अनुपात सी केते बोले तुम जिते बेले भी एमती क्वेश्चन कर तुम्हें प्रथम लिखिदेव तापर ए अनुपात बी अनुपात सी लिखिदेव तीन टा गार टाणीदेव मझेरे अनुपात साइन देदेव तापर कौन कर प्रथम दुईटा को गुणी की प्रथम गारे लिखिदेव 3:7:21 तापर शेष दुईटा को गुणी की शेषे लिखिदेव 6:28 कले के देख 6:28 कले आमर 168 होती क्रस करदेव 6:7 कले के 42 ताकि मझेरे लिखिदेव 42 तो आमर के 21:42:168 या जदि आम सिंप्लीफाई करवा एक कले एक दुणे आमर 21 अष्टा तो 1:2:8 हो 1:2:8 ऑप्शन नंबर बी 1:2:8। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख हमको ए अनुपात बी अनुपात सी दे लिखिद प्रथम a:b:c 1:2:1:3:1:5 जितेबले भी तुमको एमती क्वेश्चन दे थो तुम्हें प्रथम समहर करदेव आमको पचार c:b:a के पचार तो या जदि आम समहर करवा के एलसीएम 2-3-5 एलसीएम हो 30 तो या आम 1:2 को कैसे लिखिपर समहर कले तो 15:30 बोली लिखिपर सेमती या समहर कले आम 10:13 बोली लिखिपर सेमती या समहर कले आम 6:30 बोली लिखिपर तापर हर सामान तो हर तीन टा जगह कटिगले तो आमर a:b:2 बाहर आमर 15:10:6 15:10:6 आमको पचारि c:b:a तो यार उल्टा हो 6:10:15 6:10:15 ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 4 रे दे। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन 7:x इज इक्वल टू 28:48 तो आम लिख 7:x आम लिखिपर 28:48 या को सेवेन इंटू 48 तो x इज इक्वल टू मिले 7:48:28 तो या को हमें सिंप्लीफाई करवा 7 द्वारा 7 4 28 तापर 48:4 कले आमर हो 12 तो हमको मिलला x रो मूल्य 12 ऑप्शन नंबर बी। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन जिते बेले भी इंटू बी रूट ओवर ए इंटू बी रूट ओवर तो हमको दे ए जगार दे 64 और बी जगार दे 81 64:81 रूट ओवर तो 64 रूट ओवर आम जानी 8 और 9 रूट ओवर हो 81 रूट ओवर हो 9 तो 8:9 कले आम 72 नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेजेंट एज ऑफ x एंड y आर इन द रेशियो ऑफ 4:5
respectively. 7 here, hence this ratio will become 6:7. What is x present as in the year? हमको x आउ y र present as देसी. प्रथम तो मैं लिखी दियो present as. हमारो x रो present as ये उची 4x समिति y रो 5x हमको देसी. तब रे कौन गई थी? 7 वर्ष परे सेमानन करो बॉयस 6:7 है जीवो. एबे कते अछि 4x x रो आउ y रो 5x. तो हम कहि परिबा 4x आउ 5x वर्तमान अछि 7 वर्ष पर केते हि जीवो. दुहिं करो बॉयस बढीबा 7 4x plus 7 हि जीवो x रो आउ y रो 5x plus 7 हि जीवो. जते बेले 7 वर्ष हि जीवो सेमानन करो रेशियो केते हेबो 6:7. तो हम कहि परिबा 6/7. जागो एबे सिंपलीफाई कर दियो 4x plus 7 by 5x plus 7 is equal to 6/7. लो 6/7 को तुम्हें सिंपलीफाई x 700 को 42. यदि हमें 30x रू 20 काटी देबा 2x हे जीवो. सेमती 49 रू 72 को काट देला हमरा 7. तो हमरा 2x is equal to 7 हला x is equal to हमरा हे जीवो 7/2. हमको मिलला x is equal to 7/2. तो हम क्वेश्चन रे पचारी छी x रो प्रेजेंट एज केते. तो हम तो याको हमें सिंपलीफाई करले 2 द्वारा कटेले 2 दुने तो 214 x रो मूल्य हमको मिलला 14. तो x रो वर्तमान वयस होई छी 14. ऑप्शन नंबर केते रो छी देखो 3. ऑप्शन नंबर 3 देयर आर rs 225 कंसिस्टिंग ऑफ rs 1 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइंस. द रेशियो ऑफ देयर नंबर्स in that order is 8:5:3 respectively. The number of 1 rupee coin is amku kahi chi mot amaro 225 tonka achi setire 1 tonkia achi 50 paisi achi semti 25 paisi achi ab semane kete kete ratio re achanti na 8:5:3 re achanti. To amku pachari chi 1 tonkia ketta achi boli pachari chi. Tumi jete bele emti number karibo prathome tumi 50 पैसे आउ 25 पैसे देछि आउ 1 टंका देछि. तो प्रथम याकु यूनिट को समान करो 1 टंका जे देछि 50 पैसे देछि सेमदे आउ 25 पैसे देछि. आउ सेमानंकर रेशियो केते ना गुटी 8x ले आउ गुटी 5x आउ गुटी 3x कर देबो. तापरे मल्टीप्लाई कर देबो 100 * 8 कोले 800x 50 × 5 कोले 250x प्लस 25 × 3 कोले 75x. अब हमको कही छी मोट 225 टंका. तो हमें याकु पैसा रे करी छु तो 225 टंका को पैसा रे कोले केते हेबो ना हमर हे जीवो 2250 पैसा. तो याकु करी दियो 800 250 आ 75 को ऐड कोले केते होछि ना 1125x इज इक्वल टू केते ना 22500 पैसा. इज इक्वल केते ना इतकी बाय 1125. तो कोले केते हिउछ हमरो देखो हमरो 20. तो x रो मूल्य हम पाइले 20. तो हमकु पचारी छे 1 रुपी कॉइन केति थिला बोली पचारी छे. तो हमें नै थिले मूल्य पहिले में एटा हिजबो 168 हिजबो हमरो 100 और एटा हिजबो हमरो 60. तो 5 रुपी हमरो 5 रुपी नै 50 पैसे थिला हमरो 100 टी सेम जे हमरो 25 पैसे थिला 60 टी. तो हमको क्वेश्चन रे पछार छी 1 रुपी कॉइन केते थिला 60 टी. सेम जे तुमको पछारि थांता 50 पैसे रुप केत्ती कॉइन थिला ताल तुम करथन तो 100 है.
ସେମିତି ଯଦି ତୁମକୁ ପଚାରିଥାନ୍ତା 25 ପଏସିକ୍ କଏନ୍ କେତେଟା ଥିଲା, ତାହେଲେ ତୁମେ କରିଥାନ୍ତ 60। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 160, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ରୁପି କଏନ୍ 160ଟା ଥିଲା। କିଏ ନେବ କିଏ, ତାପରେ ନା କିଏ ବାଏ 8 କହିପାରିବା, ସେମିତି ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମେ କହିପାରିବା କିଏ ବାଏ 14, କିଏ ବାଏ 14 ବୋଲି କହିପାରିବା। ଏ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମେ କେତେ ସେମିତି ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେ ବାଏ 14। ଏବେ କ'ଣ କରିବ ନା ତୁମେମାନେ ସମହର କରିଦେବ, ସମହର ସମହର କେମିତି କରିବ, ହରମାନଙ୍କର ଏଲ୍ସିୟମ୍ ପ୍ରଥମ ନେବ 2, 8 ଆଉ 14ର, ନା 7, 8 ଆଉ 14ର ଏଲ୍ସିୟମ୍ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 56। ଏହାକୁ ସମହର କଲେ 7k/56, ୟାକୁ ସମହର କଲେ 4k/56 ହେବ। ତାପରେ କେ ବାଏ 56 କଟିଯିବ, ତ କେତେ ରହିଯିବ 8, 7 ଆଉ, ତ a:b:c ହେଇଯିବ 8:7:4, 8:7:4, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇଫ୍ 40% ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 50% ଅଫ୍ ୱାଇ, ଦେନ୍ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ବାଇ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ଇଜ୍। ଆମକୁ ଦେଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ତା'ର 40% ଅର୍ଥାତ୍ 40/100 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାଇର 15% ସହ ସମାନ, ତ ୱାଇର 15% ଅର୍ଥାତ୍ ୱାଇ ଇଣ୍ଟୁ 15/100 କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ କରିଦେଲେ ଆମର କେତେ ହେଉଛି 40x ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମର 15y ହେଲା। ଆମେ କହିପାରିବା x/y ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 15/40। ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କରିବା, 5ରେ ଯଦି ଆମେ କଟେଇବା ତାହେଲେ 5 3 5 8, ତ x/y ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମର 3/8 ବାହାରିଲା। x/y ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମର 3/8। ତୁମର ଏକ୍ସ ଜାଗାରେ 3 ପକାଅ ଆଉ ୱାଇ ଜାଗାରେ 8 ପକେଇକି ଏହାକୁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କର। ତୁମକୁ ପଚାରିଛି ୱାଇ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ବାଏ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ କେତେ, ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ 8, ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3/8+3। ତୁମେ କହିପାରିବା 8ରୁ 3 ଗଲା 5 ଆଉ 8 ଆଉ 3କୁ ଆଡ଼୍ ଗଲେ ଆମର 11, 5/11 ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 5/11, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରେସିଓ ଅଫ୍ 40 ପଇସା and 6 ଟଙ୍କା। ଆମକୁ କହିଛି 40 ପଇସା ଆଉ 6 ଟଙ୍କାର ରେସିଓ କାଢ଼। ଯେତେବେଳେ ବି ତୁମେ ରେସିଓ କାଢ଼ିବ ତା'ର ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମ୍ କରିବ, ସମାନ କରିବ, ଏଇଟା ପଇସାରେ ଅଛି ୟା ରୁପିରେ ଅଛି, ତ ତୁମେ ୟୁନିଟ୍କୁ ସେମ୍ କର। 40 ପଇସାକୁ 40 ପଇସା ରଖ, ତା'ପରେ 6 ଟଙ୍କାକୁ ଆମେ କେତେ ପଇସା କହିପାରିବା, 1 ଟଙ୍କାକୁ ଆମର 100 ପଇସା, ସେମିତି 6 ଟଙ୍କାକୁ ଆମର 600 ପଇସା। ଏବେ ତୁମେ ରେସିଓ କାଢ଼ିଦିଅ 40/600, ତ କଲେ କେତେ ହେଉଛି ରେସିଓ ଆମର 1/15, ତ 1:15 ହେଇଯିବ, 1:15, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 2 ନମ୍ବର ଆର୍ ଇନ୍ ଦ ରେସିଓ ଅଫ୍ 3:5। ଆମକୁ 2ଟା ନମ୍ବର ଦେଇ କହିଛି, ସେମାନେ 3:5 ଅଛନ୍ତି। ଇଫ୍ ଇଚ୍ ନମ୍ବର ଇଜ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ବାଏ 10, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା 10 ବଢ଼େ ସେମାନଙ୍କର ରେସିଓ ହେଇଯାଏ 5:7 ବୋଲି କହିଛି। ତ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ 2ଟା ସଂଖ୍ୟା ନିଅ, ଏକ୍ସ ଆଉ ୱାଇ ନେଲୁ 2ଟା ସଂଖ୍ୟା, ସେମାନେ 3:5 ରେସିଓ ରହିଛନ୍ତି, ଏକ୍ସ 3x ବେଳକୁ ୱାଇ ହେଲା 5x।
ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା ଦଶ ବଢ଼ିବେ, ଏକ୍ସ ଦଶ ବଢ଼ିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟେନ୍ ହେଲା, ସେମିତି ୱାଇର ସଂଖ୍ୟାଟା ଟେନ୍ ବଢ଼ିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଫାଇଭ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟେନ୍ ହେବ। ସେମାନଙ୍କର ରେସିଓ କେତେ ହେଇଯିବ ଦଶ ବଢ଼ିଲେ? ନା ପାଞ୍ଚ ଅନୁପାତ ସାତ, ତମେ କରିବ ପାଞ୍ଚ ବାଇ ସାତ। ତ ଏହାକୁ ଏବେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କରିଦିଅ, ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟେନ୍ ବାଇ ଫାଇଭ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟେନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫାଇଭ୍ ବାଇ ସେଭେନ। ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟେନ୍ ବାଇ ଫାଇଭ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟେନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫାଇଭ୍ ବାଇ ସେଭେନ। ଏହାକୁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କଲେ କେତେ ହେବ? କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ କର, ସାତିରି ଏକୋଇଶ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସତୁରୀ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମର ପାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚ ପଚିଶ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ପଚାଶ। ତ ଆମର ପଚିଶ ଏକ୍ସରୁ ଆମର ଏକୋଇଶ ଏକ୍ସ ଗଲେ ଫୋର୍ ଏକ୍ସ, ସେମିତି ଆମର ସତୁରୀ ପଚାଶ ଗଲେ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି। ତ ଫୋର୍ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ହେଲା, ତ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ? ନା ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବାଏ ଫୋର୍, ତ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମେ କେବେ ପାଇଗଲେ ପାଞ୍ଚ। ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଗଲେ ଆମେ ପାଞ୍ଚ, ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପାଞ୍ଚ। ତମକୁ କହିଛି ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି କେତେ ନେଇଥିଲେ, ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ଆଉ ଫାଇଭ୍ ଏକ୍ସ। ତ ଆମେ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଗଲେ ପାଞ୍ଚ, ତ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହେଇଯିବ ଆମର ଫିଫ୍ଟିନ୍, ଆଉ ଫାଇଭ୍ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମର ହେଇଯିବ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫାଇଭ୍। ତ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ହେଇଯିବ ଫିଫ୍ଟିନ୍ ଆଉ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫାଇଭ୍, ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ଏ ବ୍ୟାଗ୍ କଣ୍ଟେନ୍ସ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ପଇସି, ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫାଇଭ୍ ପଇସି ଆଣ୍ଡ ଫିଫ୍ଟି ପଇସି କଏନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ରେସିଓ ସେଭେନ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ସିକ୍ସ ଇଜ୍ ଟୁ ଫାଇଭ୍ ଆମାଉଣ୍ଟିଂ ଟୁ ଆର୍ ଏସ୍ ଟୁ ନାଇନ୍ ସେଭେନ୍ ରୁପି। ତମକୁ କହିଛି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ୍ରେ କୋଡ଼ିଏ ପଇସି ରହିଛି, ପଚିଶ ପଇସି ଆଉ ପଚାଶ ପଇସି ରହିଛି, ଆଉ ସେମାନେ କେତେ ଅନୁପାତରେ ରହିଛନ୍ତି? ସାତ ଅନୁପାତ ଛଅ ଅନୁପାତ ପାଞ୍ଚ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ମିଶିକି ଅଛି ଦୁଇଶହ ସତାନବେ ଟଙ୍କା। ଯେତେବେଳେ ବି ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିବ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ନା ପଇସିରେ ଆମର ଅନୁପାତରେ କଲାବେଳେ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମ୍ କରିବା, ତ ୟୁନିଟ୍ ତ ସମାନ ଅଛି ଆମର, ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ପଇସି, ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫାଇଭ୍ ପଇସି ଆଉ ଫିଫ୍ଟି ଫାଇଭ୍ ପଇସି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁପାତ ଗୋଟିଏ ସେଭେନ୍ ଏକ୍ସରେ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ସିକ୍ସ ଏକ୍ସରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫାଇଭ୍ ଏକ୍ସରେ। ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏମିତି କରିଦେବ, ତାପରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଏକ୍ସ ସହିତ, ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସହିତ ସେଭେନକୁ କଲେ କେତେ ହେଉଛି ୱାନ୍ ଫୋର୍ଟି ଏକ୍ସ, ସେମିତି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫାଇଭ୍ ସହିତ ସିକ୍ସକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ ଆମର ୱାନ୍ ଫିଫ୍ଟି ଏକ୍ସ ହେଇଯିବ, ସେମିତି ଆମର ପଚାଶ ସହିତ ପାଞ୍ଚକୁ କଲେ ଆମର ଟୁ ଫିଫ୍ଟି ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମକୁ କେତେ ଦେଇଛି ଦୁଇଶହ ସତାନବେ ଟଙ୍କାରେ ଦେଇଛି। ତ ଏହାକୁ ଆମେ ପଇସାରେ କରିବା, ତ ଦୁଇଶହ ସତାନବେ ଶହ ପଇସା ହେଇଯିବ। ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦିଅ, ୱାନ୍ ଫୋର୍ଟି, ୱାନ୍ ଫିଫ୍ଟି ଆଉ ଟୁ ଫିଫ୍ଟି, ଏହାକୁ ଆଡ଼୍ କଲେ ଆମର ହେଇଯିବ ଫିଫ୍ଟି, ଫାଇଭ୍ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼୍ ଫୋର୍ଟି ଏକ୍ସ। ତ ଲେଖିଦିଅ ତୁମେ ଫାଇଭ୍ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼୍ ଫୋର୍ଟି ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏତିକି ପଇସି ହେଲା, ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ ଏତିକି ବାଏ ଫାଇଭ୍ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼୍ ଫୋର୍ଟି। ତ ଶୂନ ଶୂନ କଟିଲେ ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କରିବା କେତେ ହେଇଯିବ? ଫିଫ୍ଟି ଫୋର୍ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଏହାକୁ ଆମେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କରିବା ତାହେଲେ କେତେ ହେଉଛି ଦେଖ, ଟୁ ନାଇଣ୍ଟି, ଟୁ ନାଇନ୍ ସେଭେନ୍ ଜିରୋ ବାଇ ଫିଫ୍ଟି ଫୋର୍ କଲେ କେତେ ହେଉଛି? ଟୁ ନାଇନ୍ ସେଭେନ୍ ଜିରୋ ବାଇ ଫିଫ୍ଟି ଫୋର୍ କଲେ ଆମର ଫିଫ୍ଟି ଫାଇଭ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ପାଇଲେ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ଫିଫ୍ଟି ଫାଇଭ୍। ଆମକୁ କହିଛି ପଚିଶ ପଇସି କେତେଟା କଏନ୍ ଥିଲା ବୋଲି, ତ ଆମେ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପାଇଲେ ଫିଫ୍ଟି ଫାଇଭ୍। ପଚିଶ ପଇସି କେତେ ଅନୁପାତରେ ଥିଲା? ନା ସିକ୍ସ ଅନୁପାତରେ, ତ ଆମେ ସିକ୍ସ ଏକ୍ସ ନେଇଥିଲେ, ତୁମର କେତେ ହେଇଯିବ? ସିକ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ଫିଫ୍ଟି ଫାଇଭ୍, ଛଅ ପଞ୍ଚାତିରେ ଶୂନ ରଖିଥିନି, ଛଅ ପଞ୍ଚାତିରିଶ ତିନି ତେତିଶ, ତୁମର ତିନିଶହ ତିରିଶଟି ଥିଲା ପଚିଶ ପଇସି, ପଚିଶ ପଇସି ଆମର ତିନିଶହ ତିରିଶଟି, ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ମିନ୍ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ଆମକୁ ପଚାରିଛି। ଯେତେବେଳେ ବି ମିନ୍ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ପଚାରିଥିବ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ନା ଏ ଇଣ୍ଟୁ ବିର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଏ ଜାଗାରେ କେତେ ଦେଇଛି? ନା ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫାଇଭ୍, ବି ଜାଗାରେ କେତେ ଦେଇଛି? ୱାନ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ୱାନ୍, ତେର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ବା ପାଞ୍ଚର, ପଚିଶର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ପାଞ୍ଚ, ସେମିତି ୱାନ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ୱାନ୍ର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ହେଇଯିବ ଆମର ଇଲେଭେନ୍। ତ ଫାଇଭ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଇଲେଭେନ୍ କଲେ ଆମର ଫାଇଭ୍ ଫିଫ୍ଟି ଫାଇଭ୍, ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି।
आमको गोटे मिक्सचर दे टोटल 60 लिटर गोटे मिक्सचर रही जो थे कि मिल्क आउ वाटर मिशी मिल्क आउ वाटर अनुपात दे 2x 2:1 रे तुम्हें मिल्क 2x थिला बेलू आमर वाटर अच्छी 1x आउ मिसिकी अच्छा से मिक्सचरटा 60 लिटर तो आम कहीपर 2x + 1x इक्वल टू 60 तो आमर 3x इज इक्वल टू 60 तो एक्स इज इक्वल टू केते हेइ जिवो एक्स इज इक्वल टू आमर 60/3 इज इक्वल टू 20 तो आम पाइले एक्स इज इक्वल टू 20 तो आम कहीपर वाटर रहिला 20 ये वाटर रे हमें जदि एक्स लीटर को ऐड करवा हेले से रेसीओ के 1:2 हेबो एबे या को सिंपलीफाई कर दियो रही 80 तो एक्स इज इक्वल टू केते हे जइबो हमर 80 - 20 तोर 60 हो जाउछ एक्स इज इक्वल टू 60 तो हमें एक्स लीटर वाटर रे ऐड करवा बोली नहीं थिले तो हमर एक्स इज इक्वल टू हमर केते हेला ना 60 लीटर यदि आम 60 लीटर वाटर एड करवा तेल से मानकर अनुपात 1:2 हो इन ए क्लास देर आर टोटल 550 स्टूडेंट्स रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल इज 6:5 हाउ मेनी गर्ल्स शुड जॉइन द क्लास सो दैट रेशियो बिकम 5:6 हमको गोटे क्लास रे टोटल 550 जन स्टूडेंट अच्छा बोली कही तापर कही से मानर बॉयज आउ गर्ल्स रेशियो दे बॉयज आउ गर्ल्स रेशियो दे 6:5 तो बॉयज 6x हेले गर्ल्स आमर 5x आउ से मिसिक अच्छा टोटल 550 जन तो आमर 11x इज इक्वल टू आमर 550 हो एक्स इज इक्वल टू के 550/11 तो कल के 50 तो आम एक्स रूल्य पाईगले 50 तो बॉयज के 6x तो आम 50 × 6 कले 300 सेमती गर्ल्स के 5x तो आम 5 × 50 कले 250 तो आम बॉयज अच्छा 300 और गर्ल्स अच्छा 250 पाइले बॉयज 300 जन अच्छा सेमती गर्ल्स पाइले 250 जन एवं कौन कही हाउ मेनी गर्ल्स शुड जॉइन द क्लास सो दैट रेशियो बिकम 5:6 गर्ल्स आउ केते जन जॉइन कले से रेशियो 5:6 हेबो तो कर दियो तुम्हें प्रथम बॉयज बॉयज जॉइन हेबे नहीं बॉयज सेते थिबे गर्ल्स जॉइन हेले मन कर आम एक्स जन बोली धरी देबा गर्ल्स एक्स जन धरले से रेशियो केते हे जइबो ना 5:6 हे जइबो याकु एबे सिंपलीफाई कर दियो 300/300/250 थिले एक्स जन आम जॉइन हेले तो तांकर रेशियो हो गला 5:6 या को सिंपलीफाई कले 300 × 6 कले 1800 तापरे 250 × 5 कले आमर केते हो देखो 1250 + 5x तो आम कहीपर 5x इज इक्वल टू आमर 1800 - 1250 कले केते होछि आमर 550 हे बोधे 550 तो 5x इज इक्वल टू 550 एक्स इज इक्वल टू आमर केते हेला ना 550/5 तो आमर एक्स इज इक्वल टू 110 जन तो आम केते जन बोली नहीं थिले एक्स जन जॉइन कले बोली नहीं थिले तो आमर एक्स इज इक्वल टू मिलला 110 जन 110 जन जदि जॉइन हे बोले से मानकर अनुपात हो 5:6 110 नेक्स्ट क्वेश्चन को देख नेक्स्ट क्वेश्चन रे कौन कही ना रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रीति एंड हर फादर आमर रीति आउ बापा वर्तमान बयस दे 6:13 रीति आउ बापा बयस दे वर्तमान बयस
रीतिर बयस सिक्स एक्स बेला बेलूर बापा 13x। आफ्टर फोर इयर द एज अफ हर फादर विल बी डबल अफ हर एज। 4 वर्ष गलापर ऋतिकर बयस के ना 6x+4 होमती फादर बयस के 13x+4 हो कौन कही आमको बापा बयस ऋतिर दुई गुण तो बापा बयस के 4 वर्ष पर ना 13x+4 इजिक्वल टू कौन कही ऋतिर बयसर दुई गुण। ऋतिर बयस के 6x+4 तार दुई गुण 2 × 6x+4 तो या सिंप्लीफाए कर 3x+4 इजिक्वल टू 13x+4 इज इक्वल टू आमर के 2 × 6x+4 या सिंप्लीफाए कले 13x+4 आमर 2 × 6x 12x+2 = 8 तो आम 13x 12x वियोग कले एक्स आम 8 × 4 के बोलिए 4 तो एक्स रूल्य आम पाइले 4 एक्स रूल्य पाइले आम 4 तो कौन कही क्वेश्चन आमको ह्वाट व्वाज द एज अफ हर फादर एट द टाइम हर बार्थ। तो प्रथम प्रेजेंट एज बाहर कर दियो तुम एक्स इजिक्वल टू पाइले के 4 पाइले तो प्रेजेंट एज के 6x आउ 13x नहीं तो प्रेजेंट एज हो 6 × 24 आउ आमर 13 × 52 प्रेजेंट एज हो 24 × 52। तो आमर ऋति जन्म होगा समय रे बापा बयस के पचार तो तुम्हें 52 रु 24 को सबस्ट्राक्ट कर दियो के 12 × 4 = 8 × 4 = 2 28 इयर्स हो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 300 ग्राम ऑफ सुगर सॉल्यूशन हैज 40% सुगर इन इट। हाउ मच सुगर शुड बी एडेड टू मेक इट 50% इन द सॉल्यूशन। गोटे आमर सुगर सॉल्यूशन रही है 300 ग्राम जो थी 40% तो हमें सुगर रही है 40% काढ़ी दियो तो कैसे हो 3 द्वारा कले आम 120 तो 120 ग्राम होमर सुगर 120 ग्राम आमर सुगर तो टोटल आमर 300 ग्राम 120 ग्राम गल के 180 ग्राम 180 ग्राम हो जाए आमर बाकी जो पानी रही पानी पानी तो कहीनि जोटा तो अच्छे से 180 तो आमर सुगर हो गला 120 आउ बाकी बचला 180 हैला। तापर कौन कही हाउ मच सुगर शुड बी एडेड टू मेक इट 50% इन द सॉल्यूशन। तो 50% करवाई आमको सुगर केड करवाको बोली पचार तो सुगर अच्छी 120 सुगर जदि आम एक्स एड करदे आउ बाकी अच्छी 180 180 कि एड करवा ना तो कौन हो 50% हो 50% अर्थात आमर 1/2 50% कहले कौन ना 50/100 50/100 कह कहते 1/2 तो ये आपको आम सिंप्लीफाई कर दो सिंप्लीफाई कर 120 + x / 180 = 1/2 को सिंप्लीफाई करो फाई करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन द्वारा तो हमरा 240 + 2x = हमर 180 हो जीवो तो हमर केते हो 2 - 2x -2x इजिक्वल टू हमर हो -60 तो हमर 2x इजिक्वल टू 60 हैला x इजिक्वल टू हमर 30 हैला x इजिक्वल टू 30 हैला तो हमर 30 लीटर x लीटर एड करले धरिथिले तो हमर x इजिक्वल टू 30 ग्राम हमर एड कले हमर 50% सॉल्यूशन हो जीवो। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कर द रेशियो ऑफ द मंथली इनकम ऑफ राधा एंड रानी इज 3:2 एंड देयर एक्सपेंडिचर रेशियो इज 8:5
If each of them is saving Rs 9000 per month, then find the sum of the monthly income of Radha and Rani. तुमको दे राधा और रानी रो मंथली इनकम दे 3:2 राधा और रानी रो इनकम दे मंथली इनकम 3:2 तो गोटे को 3x नवा आ गोटे को 2x नवा टाइप वे खर्च कले तापर से माने सेविंग करंती इनकम रु जदी हमें एक्सपेंडिचर को काटी देवा ताले तांकर हमें सेविंग पाई जवा सेविंग केते केते करंती दुईज 9000 लेखाएं करते ये भी 9000 करे ये मध्य सेविंग 9000 करे एबे कहिसि से मानकर मंथली इनकम मिसिकी के तो प्रथमे तुम दुईटा इक्वेशन कर दियो एक्सपेंडिचर को केते करे ना 3x आउ एक्सपेंडिचर बा खर्च करते करे 8y काटी देला परे तांकर सेविंग रही जीवो 9000 तो या को हमें इक्वेशन 1 दे दबा तब तब अगर संचय करे 9000 या को तुम्हें इक्वेशन 2 दे सिंपलीफाई करो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 3x माइनस 8y इज इक्वल टू 9000 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 9000 इक्वेशन कते 9000 वाई टू 9000 प्लस 72000 प्लस 72000 तो हमारे 10000 हो गला एरो मूल्य पाइथिले 9000 तुमको कौन कही छी राधा मूल्य आम के 27000 अनुसार एड करदे के 135000 135000 ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन ए इज टू बी इज इक्वल टू 5:7 एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 देन ए इज इक्वल टू हमको दे बी रो अनुपात दे 5:7 ए 5x हेले हमरो बी हेब 7x एबे कहिछि ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 तो हम कही परबा 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 60 तो हमरो 12x इज इक्वल टू 60 तो एक्स इज इक्वल टू केते हेइबो 60/12 तो एक्स इज इक्वल टू हमरो 5 हेला एक्स इज इक्वल टू 5 हेला तो ए इज इक्वल टू 5x और बी इज इक्वल टू 7x ऑप्शन नंबर 4 नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन रे देखो ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग रवि राहुल एंड राज इन रेशियो 8:5:7 इन ए सच ए वे दैट शेयर ऑफ रवि वाज आर एस 1000 लेस देन
that of sum of share of Rahul and Raj. Find the difference between the share of Ravi and Raj. तुमको कही तीन जन राहुल रवि आउ राज अच्छा से मैंने टंका को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 8:5:7 रेसीो रे। In a village, ratio of men and women is पांच आउ कोड़े तापर एमती फोर इश फाइव इश टू लास्ट क्वेश्चन आज लास्ट